नमस्कार, न्यूज़ अपडेट अन्वेषक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अन्वेषक नियमितीकरण MLC का आश्वासन, एक बार फिर से बेसिक की कमान संभालेंगे श्री विजय किरण आनंद जी। UP शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात करेंगे, समस्याओं का निस्तारण। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबर, मंशु वर्मा को आया बुलावा, MLC ने आश्वासन दिया अन्वेषक नियमितीकरण होगा। शिक्षा विभाग की कमान फिर संभाल सकते हैं श्री विजय किरण आनंद जी। UP शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह से मिले हिमांशु वर्मा, किया चित्र भेंट, दिया आश्वासन मांग पूरी होंगे। अन्वेषक शिक्षा में सरल ऐप से सिखाएंगे 1 से 8 तक के बच्चों शिक्षा। अब खबर विस्तार से। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह MLC और अन्वेषक लीडर हिमांशु वर्मा जी गणपति की चित्र भेंट करते हुए माननीय MLC जी के लिए, और यहाँ पर पोस्ट की है, आज माननीय MLC भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने आवास पर खुद बुलाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के अवसर पर आदरणीय MLC श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अन्वेषक नियमितीकरण की चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने सदन से लेकर मुख्यमंत्री तक पैरवी करने का पूरा आश्वासन दिया है। आदरणीय MLC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हिमांशु वर्मा अन्वेषक रायबरेली से ये पोस्ट की उन्होंने। इसी तरीके की एक और खबर, अन्वेषक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास होना चाहिए, ये साबित किया है हिमांशु वर्मा जी ने रायबरेली से। अन्वेषक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से शिष्टाचार मुलाकात कर अन्वेषकों के कई अहम मुद्दों पर विस्तृत वार्ता कर अवगत कराया, जिसमें सर्वप्रथम अन्वेषकों के नियमितीकरण की बात पर मंत्री जी ने कहा कि इस बार सबका कल्याण होगा और अन्वेषक नियमितीकरण जरूर होगा। वहीं इसके साथ ही अन्वेषकों के ब्लॉक ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, जिस पर माननीय मंत्री जी ने सहज स्वीकार करते हुए अपने सामने अन्वेषक ट्रांसफर से वंचित पूरी जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष से लिखवा कर संज्ञान के लिए और बताया कि जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होगा। इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया में ऑप्शंस के रूप में नए विद्यालयों को भी जोड़ने के लिए मंत्री जी से आग्रह किया गया है। संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाती हैं, जिन्होंने राजनीति में 2017 में एंट्री की है। वह अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। युवा संदीप सिंह को दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। वहीं अतरौली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 10 बार विधायक रहे हैं। संदीप सिंह ने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, सियासत उन्हें विरासत में मिली है। बहुत ही विनम्र स्वभाव के उच्च शिक्षित बेसिक शिक्षा मंत्री ने अन्वेषकों की बहुत ही आशा और उम्मीद है। प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा ने बताया कि प्रदेश के अन्वेषक संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही जोड़ तोड़ की मेहनत कर रहे हैं, जल्दी हम सभी सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन हेतु माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हृदय तल से आभार ज्ञापित किया गया। हम सभी अन्वेषक, पूरे प्रदेश के अन्वेषक माननीय श्री संदीप सिंह जी को सादर धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने हमारी बात को ध्यान दिया। यहाँ पर एक और अखबार ने इसको जगह दी है, अन्वेषक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री जी से की मुलाकात। तो साथियों, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और साथ ही एक खूबसूरत सी चित्र बनाकर भी भेंट की है हिमांशु वर्मा जी ने बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी की चित्र को भेंट किया। जैसे ही चित्र उन्होंने भेंट किया, उन्होंने चित्र अपनी देखकर बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत बहुत खुश हुए और कहा कि आप सब लोग बहुत काबिल हैं, आपके हक में फैसला ज़रूर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देते रहें
और सरकार आपके हक में कुछ ना कुछ अवश्य जल्द करने जा रही है, और जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी विशेष रूप से वार्ता करूँगा और जितनी भी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास मैं करूँगा। इस भेंट में ये एक आशा भरी मुलाकात, आशा भरी किरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमांशु वर्मा जी हैं जिन्होंने जय श्री नाम का पट का भेंट किया है माननीय MLC जी के लिए। अब एक और खबर आ रही है, अनुदेशक शिक्षा मित्र शिक्षक, ध्यान दें, अप्रैल माह की 25 तारीख को सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक आकलन की प्रक्रिया संपन्न कराए जाने के संबंध में आदेश आया है। primarycamaster.com से ये समाचार प्राप्त हो रहा है, हमारे चैनल पर आप देख रहे हो, और ये आदेश है कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का, 16/4/2022 का है। सम्मानित शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्र जनपद गोरखपुर, नवीन सत्र आरंभ की शुभकामना। एक लंबे प्राकृतिक जनित अवरोध के बाद हमारे विद्यालय अपनी वास्तविक शैक्षिक गति से आने लगे हैं। विगत वर्ष में हम सभी यह प्रयास रहा है कि विद्यालयों की आधारभूत आवश्यकताओं को पंचायती राज विभाग के सहयोग से भी संतृप्त किया जाए। हमारा सम्मिलित प्रयास परिलक्षित भी होने लगा है। हम जानते हैं कि COVID-19 ने बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। इस शैक्षिक क्षति को कम करने में आपका सहयोग करने हेतु परियोजना द्वारा विभिन्न शिक्षण सामग्रियां जैसे ध्यानाकर्षण आधारशिला, शिक्षक संग्रह मॉड्यूल आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध मॉड्यूल, NCERT और NBT लाइब्रेरी पुस्तकें, सहज मैथ किट, प्रिंट रिच मटेरियल, इन बिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर इत्यादि विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन सभी प्रयासों के साथ शिक्षक द्वारा आयोजित कक्षा संचालन एवं वांछित परिणाम प्राप्ति के लिए ये जानना आवश्यक है कि कक्षा के बच्चों लर्निंग आउटकम संप्राप्ति स्तर क्या है। अतः कक्षा शिक्षण के इस प्रथम सोपान को सरल बनाने के लिए अप्रैल माह की 25 तारीख को सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आकलन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह आकलन शिक्षक की शिक्षण योग्यता का नहीं बल्कि हमारे बच्चों की सीखने की गति और अधिगम स्थापित का आकलन है। इसका उद्देश्य बच्चों के सिखाने में आ रही बाधाओं को चिन्हित करते हुए अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। इसमें पूर्व भी भांति लर्निंग आउटकम में प्राप्त हुई गैप के आधार पर विद्यालयों को चिन्हित करें। आकलन में प्राप्त परिणामों के सापेक्ष विषय विशेषज्ञों के रूप में अकेडमिक रिसोर्स पर्सनल संबंधित विषय के डाइट मेंटर तथा खान अकेडमी विक्रमशिला LLF IIT गांधीनगर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सहयोग एवं आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती हुई बच्चों को शैक्षिक उन्नयन में सहयोग करेंगी। आपकी सुगमता के लिए ये सब किया जा रहा है। उद्देश्य है बच्चों को सिखाने में आ रही बाधाओं को चिन्हित करते हुए उनको सुधार किया जाए और अधिगम प्रक्रिया में उनका सुधार करना ही हमारा लक्ष्य है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि लर्निंग आउटकम्स आधारित मानसिक पाठ्यक्रम विभाजन हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये आदेश आ रहा है जिससे आप बच्चों में उक्त पाठों की समझ समयांतर्गत पूर्ण कर सकें। हमें विश्वास है कि आप सभी सरल ऐप आकलन प्रक्रिया को शैक्षिक उन्नयन की मजबूत नींव मानकर ये सिद्ध करेंगे कि अवरोधों से ज़्यादा विशाल है हमारा हौसला। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से आदेश है, जिला समन्वय प्रशिक्षण समग्र गोरखपुर से। तो ये थी साथियों अब तक की खास खबर विशेष शिक्षा विभाग से। अब मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।